इसके दिल को थोड़ा पोलियो हुआ है, बट वो उसको हवा भर के फुला रही है। देखो इसने मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आज प्रपोज डे है ना वो, तो हैप्पी प्रपोज डे टू यू ऑल। तो आज गाइस हम मुझे प्रपोज करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड फॉर इट। मतलब मैं सो के उठ गया था समथिंग 10 o'clock को, और गाइज अम्मू की ना ट्रेनिंग चल रही है, तो उसके वजह से वो बिजी है। आपको मिला था उससे, मैं तो मतलब मुझे कुछ करने को ही नहीं है। लाइक अभी ये अपने काम में बिजी है, तो फिर मैं क्या करूँ, मैं कहीं बाहर जा भी नहीं सकता। तो मैं बैठे बैठे वीडियोस देख रहा था, सो रहा था। आज मैंने अच्छे से आराम कर लिया। जब मैं अपने खुद के घर में रहता हूँ ना, तो सुबह जल्दी उठ के फटाफट एडिट करने बैठ जाता हूँ, या फिर रात को सोते समय मैं लेट सोता हूँ, क्योंकि एडिट करता रहता हूँ। रात को एडिट करके सोता हूँ, तो फिर सुबह उठ के एडिट करने लग जाता हूँ, तो इसमें ना मतलब आराम नहीं मिलता। अब अमू के यहाँ पे रहता हूँ ना, तो फिर बहुत ज्यादा आराम करने मिलता है। काम तो अमू ही करती है, मैं एडिट तो यहाँ पे करता नहीं हूँ, घर पे जाने के बाद ही करता हूँ। आपको दिखाता हूँ अमू मैडम क्या कर रही है। यहाँ पे चपातियाँ बना रही है मेरे लिए, ताकि मैं ब्रेकफास्ट कर पाऊँ। अब पहला दिन है ट्रेनिंग का, और इसके नाटक देखो। बट देन टू थैंक यू टू अमू, वो उठ के चपाती बना रही है। देखो कितनी परफेक्ट गोल चपातियाँ बना रही है, मतलब अभी तक बेली है। मतलब मेरे लिए नहीं, हमारे लिए, ताकि हम लोग नाश्ता कर पाए। और यहाँ पे इसकी ट्रेनिंग भी चल रही है साइड बाय साइड। तो गाइस कमेंट करके बताओ अमू अच्छी लड़की है कि नहीं। वैसे तो नहीं है, फिर भी बेचारी थोड़ी मेहनत कर रही है। आटा लगा दिएगा मेरे हैंडसम चेहरे पे। एज सुन एज इसकी चपातियाँ बना के हो जाती है, थोड़ा नाश्ता कर लेंगे, और जैसे इसकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है ना, फिर हम लोग बाहर जाएंगे। मजा आता है वहाँ पर जाके यार। तो आज सोच रहे रिटर्न से जाए सीगल्स को खाना खिलाने के लिए। हाँ तो तू बना रही है ना, देख रहे हो भाई मुझे कितना काम करना पड़ता है, समझ रहे हो। मैं डायरेक्ट खा लूंगा, नहीं पका नहीं है, सॉरी। तो गाइस अम्मू बोल रही है कि आज प्रपोज डे है ना, तो मैं तुझे इम्प्रेस करने के लिए कुछ बनाऊंगी। इम्प्रेस करने के लिए तो नहीं कर रही। क्या कर रही है? ओ इस पे डिजाइन बना रही है कुछ, है आधा काट रही है इसको। क्या किया है तूने? थोड़ा टेढ़ा है। अरे ओ भाई लड़की का टैलेंट देखो, चपात दिल वाली चपाती। गाइस तो गाइस देखो अम्मू ने बनाई है दिल वाली चपाती। उसके दिल को थोड़ा पोलियो हुआ है, बट वो उसको हवा भर के फुला रही है। देखो इसने मुझे इम्प्रेस करने के लिए दिल वाला रोटी बनाया। अमू का दिल तोड़ दिया। अब आधा अमू खाएगी, आधा मैं खाऊंगा। भाई शाम के 4 बजने आ गए, और अमू मैडम की मीटिंग अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। पहले तो इंट्रोडक्शन हुआ था, और जैसे ही उसने वो क्लोज किया वो मीटिंग, तो दूसरे मीटिंग का लिंक आ गया। तो अमू मैडम अभी भी देखो बेचारी कॉर्ड लगा के अभी भी मीटिंग अटेंड कर रही है। तो अभी पता नहीं आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अम्मू को बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला है ना। इसका मतलब तो आपको गाइस समझ रहा है, अब से तू कभी घूम नहीं पाएगी मेरे साथ। तो अभी गाइस हमेशा मैं अकेला घूमूंगा, और रास्ते में जो भी लड़की मिलेगी उसे लेके घूमने जाऊंगा, है ना। लड़कियों को लेके घूम फर्क नहीं पड़ता। ओ रियली? जाऊंगी तू कैसे आएगी? ये तो अभी आ नहीं पाएगी गाइस, क्योंकि कल हम लोग गए थे मुंबई, तो मैं औरा को यहाँ पे पार्क कर दिया था, और कितनी ज़्यादा डस्ट बैठ गई है इस पर। ये देखो कितनी ज़्यादा डस्ट बैठी है, मतलब यहाँ पे डस्ट इतनी ज़्यादा ना, कि भाई बाइक एक दिन भी खड़ी कर दो पूरी भर जाती है हमेशा डस्ट से। अभी किसी का कपड़ा चुराना पड़ेगा, क्योंकि मैं बाइक में कपड़ा नहीं रखता। किसी का कपड़ा है क्या यहाँ पे? शाम तो ऐसे हो चुकी है, अभी मुझे घर पे भी जाना है। अरे ये क्या है? देखो इसने फिर से लिखा खुद का नाम, देखो कितनी हरामी है। अमीना और आपको निकालता हूँ भी क्या। तो गाइस अभी ना मैं निकल ही रहा था अपने घर पे, क्योंकि अम्मू की मीटिंग खत्म नहीं हो रही थी। एक्चुअली हमारा प्लान बना था जाने का सीगल्स को खाना खिलाने के लिए, वो प्लान कैंसिल करना पड़ रहा था क्योंकि अम्मू की मीटिंग खत्म ही नहीं हो रही थी। बट अम्मू बोली कि कोई बात नहीं, ये मीटिंग में ऐसे कॉर्ड लगा लेती हूँ और चलती हूँ घूमने के लिए, मुझे भी घर पे घंटा ला रहा है। उससे पहले जाके अभी ना हमें कुछ खाने के लिए लेना है उनको।
तो भाई चिड़िया के लिए तो हमने खाना ले लिया है और कोई आइडिया नहीं है वैसे चिड़िया लोग रहेंगे वहाँ पर कि नहीं, मतलब जो सीगल से वो लोग वहाँ पर रहेंगे भी नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोग गए थे ना उस टाइम पे तो सुबह का टाइम था, मतलब मॉर्निंग में गए थे तो मॉर्निंग में तो वहाँ पर बहुत सारे सीगल्स थे और मज़ा भी बहुत ज़्यादा आया था। और मुझे ना, मैं तो सोच रहा था एक दो दिन में रिटर्न जाऊँगा, बट फिर कुछ काम की वजह से, आपको तो पता है डेली ब्लॉग चलता है, एडिट चलता है, और मैं तो कल्याण में रहता हूँ तो फिर जा नहीं पाया था। बट ना यार बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है उन लोग को खाना खिला के, वो लोग इतने सारे रहते हैं और उनको उतना ज़्यादा देखा भी नहीं है ना, तो पास से देखने के लिए ना बहुत अच्छा लगता है उनको। आज भी आने का प्लान कैंसिल हो रहा था क्योंकि अम्मू की मीटिंग खत्म नहीं हो रही थी, उसकी मीटिंग बेचारे की चालू थी, बेचारी सुबह से ट्रेनिंग में लगी हुई है, हमेशा ये खाना खाती है ना कुछ कार्टून देखते हुए खाती है, लाइक शिनचैन देखेगी या कुछ ना कुछ देखेगी। आज मैडम को मीटिंग अटेंड करते करते खाना खाना पड़ा, तो जॉब पे लगने वाली मैडम तो उनका शेड्यूल और भी बिजी रहेगा, हम लोग ज़्यादा करके शाम को ही घूम पाएंगे, दिन भर तो काम में बिजी रहेगी मैडम, और फिर जो वीक ऑफ्स मिलेंगे उसमें घूमने मिलेगा नहीं है वो लोग, इधर बुरा लग रहा है यार, मैं कितने दिल से आया था यहाँ पर उनको खिलाने के लिए। चले तो नहीं गए, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो वहाँ पर जो अंकल आए थे उन्होंने बताया था कि ये ऑस्ट्रेलियन है और ऑस्ट्रेलिया से आते हैं ट्रैवल करते हैं वर्ल्ड में, तो अच्छा ना हो कि वो लोग चले गए हो रिटर्न। आज तो अभी हम यहाँ पे कबूतर है बहुत सारे, सीगल्स कहाँ गए, वो देख वहाँ बैठे हैं दूर, यहाँ कैसे आएंगे अभी वो देख ले, आज तो कोई नहीं आएगा, बैठी हुई है एकदम दूर बैठे हुए, लगता तो नहीं खा रहे, हम खा लेते हैं, हम खा लेते हैं, शायद उन्होंने खाना खा के अभी आराम करने गए होंगे वहाँ पे, तो पहले खाना खा चुके होंगे। मैं इतने दिल से आया था यहाँ पे, प्लान कैंसिल हो गया था आने का, फिर भी मैं आ गया यहाँ पे, मतलब उन्होंने कि चल चल लेते करके, उसका मीटिंग चालू है फिर भी वो भी आई साथ में, क्या सोचा था और क्या हो गया। तो भाई आज तो हमारा पोपट हो गया, मतलब आज हम लोग आए लेकिन आज यहाँ पे कोई चिड़िया ही नहीं आई, अभी शाम का टाइम है, मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट जा रहा था कि आज ऐसा हो सकता है करके, और मुझे तो लग रहा था यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर है दूर बैठे हुए, आपको गोप्रो में दिखेगा नहीं, और इसमें दिख ही नहीं रहा। बहुत सारे, इसलिए आपको शायद समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पर है पक्का, बट ये देखो ये सब लाइन में बैठे हुए हैं, दूर बैठे हुए हैं। तो आज तो पोपट हो गया, बट कोई बात नहीं, फिर कभी आ जाएंगे हम लोग रिटर्न से। अभी क्या करेंगे हम इसका, अभी हमारी चिड़िया, अभी हमारी चिड़िया घर जाके खुद खा लेगी इसको चाय के साथ में, चाय के साथ में। पर आगे इतना शांत लगता है ना, पर ज्यादा टाइम अभी बैठ नहीं सकते क्योंकि अम्मू की ट्रेनिंग चालू है, तो अभी यहाँ से निकल जाएंगे। आज तो मतलब कबूतर भी नहीं आ रहे, बट अगर चने वगैरह डालते तो शायद कबूतर आ जाते हैं। इसको पता है कि शाम के टाइम पे नहीं आएंगे, मस्त देखा पानी में बैठ, वो लोग हाँ ना पानी में बैठ के आराम से तैर रहे वो लोग। अभी आ गए ये लोग, तो कहाँ जा रहे उड़ के, यहाँ पर आओ, आधे लोग उड़े ऊपर, आए 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 आए, यस यस, डर रहे डर रहे, और डर। फाइनली हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया, ये लोग आ चुके हैं यहाँ पे। Thank you.
जहाँ पर उन्होंने नीचे गिरा दिया था ना, तो मैंने बाइक थोड़ा आगे ले लिया है सो देट वो नीचे का भी खा पाए। कितने क्यूट है यार ये। अच्छा, अरे ये लोग यहाँ पर जो मेट्रो का काम चालू है ना उसके आवाज से डर के भाग रहे हैं। ऐसे लगा नहीं रहना कि आज आएंगे करके, क्योंकि बहुत दूर बैठे थे और बुलाने के लिए हम लोग निकलने वाले थे, हम लोग थोड़ा बैठे वेट किया थोड़ा सा। कोई नहीं, तेरे लिए तो हम दूसरा नाश्ता ले लेंगे, पर इनके लिए तो ऊपर उड़ रहे हो, गलती से टट्टी मत करना मेरे ऊपर। पता चला जिसने खाना के लिए उसी पर डाल दिया, निकाल दिया। हाँ, हवा की वजह से। हमने तो इस प्लेस को बर्ड वॉचिंग पॉइंट ही बना दिया है ना, मतलब पहले हम लोग बहुत पहले से आते हैं यहाँ पे, माइंड को पीस चाहिए रहेगा ना, तो उसके लिए आते थे। अभी रिसेंटली ये लोग यहाँ पर रहने लग गए ना, तो इसलिए इनको देखने के लिए आते हैं। पर बहुत क्यूट है यार, मस्त लग रहे हैं ना। हम लोग कितने टाइम से आ रहे हैं ना यहाँ पे, 2 साल होने आए रहेंगे मेरे हिसाब से, पर पहले नहीं रहते थे ये लोग, शायद विंटर में आते रहेंगे। एक्चुअली मैं गाइस ट्राई कर रहा था ना कि हाथ से खिलाऊं, बट वो लोग थोड़े डर रहे थे, हाथ पे खाने के लिए आ ही नहीं रहे थे। नेक्स्ट टाइम रिटर्न ट्राई करूंगा कि आके ना वो लोग हाथ से खा पाए। मे बी दे डोंट ट्रस्ट ह्यूमंस। नो वन ट्रस्ट ह्यूमंस, ह्यूमन डोंट ट्रस्ट ह्यूमंस। हाँ, वो बात भी है, पर डर भी लग रहा था कि कहीं उनकी चोंच ना लग जाएगी, उनकी चोंच बहुत बड़ी है और शार्प है। प्यारा लगता है खिलाने। हाँ, बहुत मस्त लगता है और पास से देखने भी मिलता है ना उनको। अमो, तू कुछ भूल तो नहीं रही है? कुछ तो भूल रही है, याद कर। नहीं याद आ रहा? भूल गई? तू मुझे प्रपोज करने वाली थी, ऐसा कुछ नहीं है क्या भाई? मुझे अभी फटाफट अम्मू को घर पे ड्रॉप करना है और अपने घर पे निकलना है और जाके फिर मुझे वीडियो भी एडिट करना है, क्योंकि भाई अपनी यूट्यूब पे भी एक प्यारी सी फैमिली है जिसका मुझे ध्यान रखना पड़ता है भाई, वरना फिर वीडियो आज जा नहीं पाएगा। से अभी ट्रैफिक होने वाली है तो मुझे घर पे पहुंचने को वैसे ही लेट होने वाला है, ट्रैफिक से घर जाते आते थक जाऊंगा और फिर वीडियो एडिट भी करना है, तो मुझे लग रहा है कि वीडियो तो आज लेट होने वाला है, कि मुझे वीडियो एडिट करके डालना ही है। ब्रेक बिल्कुल नहीं लेना चाहता, डेली चालू हो तो डेली ही करने हैं मुझे वीडियोस। लेट्स सी कब तक कर पाता हूँ, बट अभी मुझे भी मज़ा आने लगा है ये चीज़ में, क्योंकि जब आदत पड़ जाती है ना डेली जो चीज़ करने की, तो खुद को भी मज़ा आने लगता है। अभी मुझे ब्लॉग डेली बना के डालने के लिए मज़ा आता है, अल्दो थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन कैसे ना कैसे करके तुम्हारा भाई मैनेज कर ही ले रहा है। और ना गाइस, आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, लिटरली आई एम ऑब्सेस्ड विद योर लव भाई, मतलब इतना सपोर्ट कर रहे हो यार, आपका सपोर्ट बहुत ही सही है। एंड आई विश गाइस कि आपका सपोर्ट ऐसे हमेशा बने रहे मेरे साथ में, तो फिर भाई वीडियो बनाने के लिए मुझे तो हमेशा मज़ा ही आएगा। भाई वो चिड़िया तो आ नहीं रही थी, तो हमारी चिड़िया ने भी थोड़ा सा वो फरसान चख लिया, तो फिर बाद में तो चिड़िया आ गई, उन्होंने सब कुछ खा लिया, तो हमारी मैडम का भी मन कर रहा था वो खाने के बाद वापस खाने का, तो आ गए रिटर्न लेने के लिए। भाई हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे, मतलब रिसेंटली मैंने अम्मू को यहाँ से गिराया था ऊपर चढ़ते समय, तो आज ना मेरा ध्यान में नहीं था कि अम्मू पीछे बैठी हुई, मैंने डायरेक्ट बाइक ऊपर डाल दी, तो पीछे से फटाक से चिल्लाती है करके वापस नहीं भरोसा नहीं मुझ पर। एक्चुअली लास्ट टाइम ना गलती से गिर गई थी, मेरे ना अगले वाले टायर में बिल्कुल ग्रिप ही नहीं थी, तो उसकी वजह से अभी फटक से पीछे चिल्लाने लग गई, डर गई, ऊपर चढ़ा रहा था ना बाइक को। अभी ये ब्लॉग यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, अभी यहाँ से सारा सामान वगैरह उठा के, बैग वगैरह उठा के घर पे निकल जाऊंगा, जाके मुझे वीडियो भी एडिट करना है। इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, बाय बाय।